क्या आपको पता है आपका पेट बढ़ बढ़ के तोंद बन जाता है, तो उसका एक बड़ा कारण क्या होता है? उसका एक बड़ा कारण होता है कब्ज। कब्ज सबसे बड़ा कारण है अगर माने तो पेट का मोटापा बढ़ने का, क्योंकि आपका पेट साफ नहीं होता। साफ इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका पाचन सही नहीं हो रहा है। पाचन सही क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका खाना पीना ही इस तरीके का है। खाने का ढंग, क्या चीज़ें खा रहे हो, खाने में क्या क्या आपने ऐड किया हुआ है, पानी कितना पीते हो, किस तरीके से पानी पीते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है। अगर आपके पेट में कब्ज़ है, आपका पेट साफ नहीं होता है। जो 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कब्ज़ को ख़त्म करने वाले, देखिए ये फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं बताऊँगी उसी तरीके से आपने फॉलो करने हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि आपको कोई नुस्खे बताऊँगी, ये आपने घर पर बनाने हैं, उसमें घंटों लगेंगे बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके जो लाइफ स्टाइल है उसको ही थोड़ा सा आपने चेंज करना है, और ये 3 स्टेप उसी के अंदर आ जाएंगे, और फिर आपका पेट साफ होगा। तो पेट साफ होने से गैस नहीं बनेगी, और गैस जब नहीं बनेगी, जब आपका पेट साफ होगा, आपका मन भी ठीक होगा और आपकी स्फूर्ति बनी रहेगी। उसकी वजह से आप एक्टिव रहोगे, और एक्टिव जब आप रहोगे तो अपने आप ही आपका पेट का मोटापा गायब, आपका पूरी बॉडी का मोटापा गायब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि कब्ज कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपके पेट को तोंद बनाने में। तो आप जानते हैं सबसे पहले कि भाई कब्ज़ क्यों आती है, कारण तो पता चले आपको, भाई कब्ज़ आपको क्यों हो रही है। आप सब लोग कहते हैं भाई मैंने तो वहाँ से चूर्ण लिया, वहाँ से चूर्ण लिया, मैं इतने चूर्ण खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन मेरी कब्ज़ ठीक नहीं होती है। सब लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि भाई बड़े से बड़े चूर्ण खा लिया लेकिन कब्ज़ जाने का नामो निशान। कुछ लोग तो दवाइयाँ भी खाते हैं कब्ज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको पता है कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपके पेट की कब्ज़ को ठीक कर सकें। तो आप जानते हैं कारण क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, एक तो लोग यही नहीं सोचते कि पानी किस टाइम पीना होता है। आधे लोगों को तो अब तक यही नहीं पता है कि खाने के बाद पानी पीना होता है या खाने से पहले पीना होता है, खाने के कितने घंटे बाद पानी पीना होता है, खाने के कितने घंटे पहले पानी पीना होता है। ये मतलब पक्की बात है 50% लोगों को अभी तक नहीं पता। देखिए इतना हमारा देश जागरूक हो गया है, नेट सभी के घर में चलता है, सभी के फ़ोनों में अवेलेबल होता है नेट, लेकिन फिर भी वो इस तरह की जानकारी लेना पसंद नहीं करते। वो ये भी जानना नहीं पसंद करते कि भाई कब्ज़ हो रही है, उसको कोई सोल्यूशन मिल जाए तो आप देख लो, अपने फ़ोन में ही देख लो, लेकिन नहीं देखते हैं। तो खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी पीना होता है, ये है रूल पानी पीने का जो मैं बताने जा रही हूँ। खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी पीना होता है, 1-1.5 गिलास जितना भी आप पीना चाहते हो, और खाने के कम से कम 2 घंटे बाद आपने पानी पीना है। खाने के बीच में पानी पीना नहीं है, खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है। तो ये रूल हो गए पानी पीने के। दूसरी बात है, आप लो फाइबर डाइट लेते हो, आप कब्ज ज़्यादा लेते हो, रोटियां ज़्यादा खाते हो। आजकल का जो आटा आता है उसमें क्या होता है कि चोकर कम से कम होती है और मैदा ज़्यादा होता है। अब मैदा होता क्या है, करता क्या है, मैदा आप खाओगे जो आप पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें ब्रेड खाते हो, बाहर के ब्रेड खाते हो, आप चाहे वो फाइबर वाला ब्रेड हो, ब्राउन ब्रेड हो, ये वाइट ब्रेड है, अब किसी भी तरीके का ब्रेड हो, तो वो आपको कब्ज़ करने वाला है। क्यों होता क्या है, ये सब चीज़ें हम खाते हैं तो अंदर जाके चिपक जाती है। पानी आप कम पी रहे हो पहले से, फ्रूट्स आप नहीं खाते हो, तो क्या करती है, चिपक जाएंगी, चिपकने से सड़ने लगती है। जब आप पेट साफ करने जाते हो, सुबह जाते हो या शाम को जाते हो, आपका रूटीन जो भी है, तो वो निकलती नहीं है, वो चिपकी रह जाती है। हमारा थोड़ा बहुत पेट साफ होता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो चिपक जाती है, सड़ने लगती है। अब कई और तरह की बीमारियाँ तो आएंगी आएंगी, उसके अलावा गैस बनती है, गैस, अब कई गैस तो गंदी गंदी हम निकाल देते हैं, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन कुछ गैस हमारे पेट में ही हजम होने लगती है, उससे क्या होगा, पेट की तोंद बढ़ने लगती है। दूसरी एक चीज़ होती है गैस होने से, जब हमारी ये गंदी गंदी गैस बनती है तो ये हमारी बोन्स में घूमने लगती है, हमारे पूरे शरीर में घूमती है, हमारी बोन्स से जो सोडियम होता है उसको सोख लेती है। आप जैसे कार्ब्स वाली डाइट खाते हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो इसको हजम करने के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। तो ये सोडियम कहाँ से आता है, हमारी बोन्स से खींच लिया जाता है। जब हमारी बोन्स से सोडियम लिया जाता है तो बोन्स के बीच में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, और जो कैल्शियम होता है वो बिना सोडियम के हार्ड होने लगता है। हमारी बोन्स के अंदर जब कैल्शियम हार्ड होने लगता है तो बोन्स होने लगती है कमज़ोर, और जब कमज़ोर बोन्स होने लगेगी तो फिर जॉइंट्स की प्रॉब्लम आने लगती है। आप कभी आपको स्पाइन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कंधे की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आप थोड़ा सा गिर गए तो आपकी कोहनी टूट जाती है। जॉइंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एक तो वेट बढ़ा हुआ है और ऊपर से बोन्स हो गई है कमज़ोर। फिर हम बोलते हैं कि जी हमें तो घुटनों का दर्द कम उम्र में ही आ गया, ऐसा तो हम कुछ खाते नहीं हैं फिर भी हमें घुटनों का दर्द आने लगा, हमारे तो घुटने कमज़ोर हो गए।
ये हमारी गलतियों की वजह से होता है। चलो वो बात अलग है, घुटनों की जॉइंट्स की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सब कारण होता है अगर हम मैदे वाली चीज़ें खाते, चीनी ज़्यादा खाते हैं और अपने आप को सही मात्रा में पानी नहीं देते, सही मात्रा में जो फाइबर वाली चीज़ें होनी चाहिए उनको अवॉइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका पेट बढ़े ना, बढ़ के तोंद ना बन जाए, इससे आप बचना चाहते हो और आप चाहते हो कि पेट आपका रोज़ साफ़ हो, देखिए ये कौन नहीं चाहेगा, ये सभी चाहते हैं, क्योंकि एक अलग ही खुशी मिलती है जब आपका पेट अच्छी तरह साफ़ होता है। किसी एक दिन अगर आपका पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाए ना, तो आपका मन भी प्रसन्न रहता है और दिन से ज़्यादा एक्टिव भी रहते हो। तो ये कौन नहीं चाहेगा कि भाई अच्छे से साफ़ हो, जो आपने खाया है वो अगले दिन बाहर निकल जाए, ये सब चाहते हैं। तो नंबर वन स्टेप है कि जब भी आप सुबह उठते हो तो आपने कोई काम नहीं करना है, सुबह उठते सबसे पहले किचन में जाना है, गुनगुना पानी करना है और कम से कम 2 गिलास आपने सिप सिप करके पानी पीना है, बड़े आराम से पीना है, गट गट करके बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप उकड़ू बैठ के पानी पिए, जैसे उकड़ू बैठते हैं, जिस तरह की हमारा जो इंडियन टॉयलेट होता है उसमें हम पोटी करने के लिए जाते हैं, उस तरीके से उकड़ू बैठना है, उस तरीके से आपने पानी पीना है, 2 गिलास पानी पीना है। और जिन लोगों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जैसे एज बढ़ गई है, तो वो कुर्सी के ऊपर बैठ के भी पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जी हमने तो 2 दिन पानी पिया, हमारा पेट नहीं साफ हुआ। देखिए 2 दिन से कुछ नहीं होता, रेगुलरली आप करें और उसके 5 मिनट बाद जब आपने पानी ख़त्म कर लिया तो 5 मिनट आप टहलें, हल्का हल्का टहलें, उसके बाद आप टॉयलेट में ज़रूर जाएं। ये आप नियम बना ले, पानी पीने का नियम, चाहे आपकी 3 दिन भी आपका पेट साफ ना हो पानी पीने के बाद भी, लेकिन ये नियम आपने बना लेना है। धीरे धीरे करके आपके पेट को वैसी आदत पड़ने लग जाएगी और आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन नियम आपने बनाना है और ऐसा नियम बनाना है कि आपने कभी नहीं तोड़ना है, चाहे किसी दूसरे के घर गए हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पानी आपने सुबह पीना ही पीना है, ये नियम हो गया। फिर दिन में आपने 3 लीटर पानी पीना है, ये आपने अपना नियम बनाना है। और जो मैंने बताया है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के बीच में नहीं पीना, खाने से आधे घंटे पहले आपने जितना मर्जी पानी पीना है पी लेना है और खाने के 2 घंटे बाद पीना है, और उसके बीच में जब आप खाली होते हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, तब आपने अपनी दिनचर्या में ये रखे कि 2.5 से 3 लीटर पानी आपने एक दिन में ज़रूर पीना है, ये आपका नियम हो गया पानी पीने का। फिर जैसे कि आपने कभी पिज्ज़ा खा लिया, ये वैसे तो मैं पिज्ज़ा के लिए, पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी हो, बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, लेकिन किसी दिन आपका मन हो गया भाई 15 दिन में एक बार किसी जोर ज़बरदस्ती से कोई आपको खिलाने के लिए अपने घर ले जा रहा है, तो आपने खा लिया, उसके बाद आप 2 से 3 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिए। इससे क्या होगा, जो भी आपने कार्ब्स वाला खाना खाया है, मैदे वाला खाया है, जो चिपक जाता है, तो वो पानी जब आप डालते रहोगे तो वो फिसल फिसल के नीचे आ ही जाएगा, वो चिपकेगा नहीं, ना ही वो सड़ेगा। तो एक स्टेप्स हो गया। अब दूसरा स्टेप्स मेरा है कि अपने खाने में आप चाहे रोटी कितनी भी खा रहे हो, वैसे तो कम खानी चाहिए, लो कार्ब्स वाली डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन वाली, लेकिन बस ये तय कर ले कि आपने दिन में 2 फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं, जिसमें एप्पल हो गया, संतरा हो गया, जिसमें भी फाइबर ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है और कार्ब्स कम होता है। वैसे तो फ्रूट्स में कार्ब्स कम ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये रखे कि 2-3 केले एक साथ ना खाए, अगर केले खा रहे तो एक ही खाए, अगर हाँ सेब आपके पास 2 हैं तो आप 2 खा सकते हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, संतरे हैं, संतरे आप 2-3 आराम से खा सकते हैं, जिनमें पानी ज़्यादा होता है फ्रूट्स में वो 2-3 खा सकते हैं, लेकिन केला एक ही खाए एक दिन में। आप ये तय करें कि दिन में 2 या 3 फ्रूट्स आपने खाने ही खाने हैं विद फाइबर ये, और एक बोल आपने सैलेड का खाना है, वो भी छिलके समय, जैसे मूली है आपने धो ली, गाजर है उसको धो के आपने छिलका नहीं उतारना है, और ये आपने अपने खाने से 5 मिनट पहले अपनी सलाद को ख़त्म करना है, 5 या 10 मिनट पहले जो भी सैलेड आपने खाना है वो खा लेना है, क्योंकि कच्चा और पक्का फूड एक साथ नहीं खाना। अगर आप सैलेड खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा 5 या 10 मिनट पहले खा लें, और बाद में उसके बाद जो भी आपकी भूख बचती है उसके बाद पका हुआ खाना, जो भी रोटी सब्जी आप जो भी आपके घर में बनता है वो खा सकते हैं। अगर आपको लगता है एक बोल आप एक टाइम में नहीं खा पाते सैलेड, तो आप 2 टाइम में उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन खाना है आपने खाने से पहले, मतलब जो पका हुआ फूड खाते हैं उससे 5 या 10 मिनट पहले खा लें। जो भी खाना आप खा रहे हैं उसको चबा चबा के खाइए, उसमें चाहे कुछ भी आप खा रहे, किसी भी टाइम खा रहे, स्नैक्स खा रहे, खाना खा रहे, तो चबा चबा के खाइए, थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा देके, यानी
कम से कम 10-15 मिनट खाने को आपको देना ही चाहिए। तो ये फॉलो करते हैं तो आपके पेट में जब खाना जाएगा वो सड़ेगा नहीं, एकदम से उसका पाचन जो भी है वो सही तरीके से होगा और आपका अगले दिन सुबह पेट साफ जरूर हो जाएगा। तीसरा स्टेप, अगर आपकी कब्ज जिद्दी टाइप की है, लंबे समय से चले आ रही है और आपने ये सब करने के बाद भी पेट नहीं साफ हो रहा है, वैसे तो देखिए आंवले का जो जूस होता है वैसे सबको लेना चाहिए, लेकिन अगर जिद्दी वाली कब्ज है तो आंवले का, फ्रेश आंवले का प्रयोग जरूर करें। उसमें आप जूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आंवले के जूस में आप जूस पी लेते हो उसका फाइबर फेंक देते हो, लेकिन ये गुद्दा जो होता है वो असली वाला फाइबर होता है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं तो उसका यूज़ ज़रूर करें। तो उसको आप हल्का सा सब्जी की तरह फ्राई करके, हल्का सा ही हल्के से तेल में नमक मिर्च डाल के आप उसको रोटी के साथ खा सकते हैं। और दो आंवले भी अगर दिन में आप खा लेते हैं तो कैसी ही पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो आपकी नहीं टिकेगी, नहीं रुकेगी। और उसके साथ ही आप आधे घंटे की वॉकिंग या आधे घंटे की एक्टिविटी डेली ज़रूर करें, इससे भी आपका जो पेट होता है बढ़ के तोंद बन जाता है तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी घटने में, आपके पेट में जो भी कब्ज हो जाती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, बहुत अच्छे तरीके से पचने लगेगा। तो ये तीन स्टेप अगर फॉलो कर लेते हैं तो दुनिया के किसी कोने में भी कहीं भी कोई भी इंसान हो उसका हो ही नहीं सकता कि उसको कभी कब्ज़ हो जाए और कब्ज़ और गैस की वजह से उसका पेट बढ़ जाए। पेट भी नहीं बढ़ेगा अगर कब्ज़ आपके पेट में नहीं है, उसका पेट एकदम स्लिम और ट्रिम रहेगा अगर ये तीन स्टेप फॉलो कर लेता है कोई भी इंसान। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।